फर्स्ट वन, क्योंकि ये डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक काउंट कर रहा है, यानी कि इसकी लीस्ट काउंट ज़्यादा है। सिमिलरली सी पर आ जाएं अगर आप, तो यहाँ पे ए रूलर जो है वो इसकी लेंथ बता रहा है कि 0.607, तो ये आंसर इन दोनों के मुकाबले में और ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बेसिकली लीस्ट काउंट के बारे में बता रहे होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी अच्छी है, उसमें कितने डिजिट्स आने चाहिए। ओके, ये आपके पास इसकी अब मैं कुछ आपको रूल्स जो है पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, फिर हम यहाँ पे आकर इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। सो बेसिकली व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोज डिजिट्स विच आर मोर रिलायबल और इम्पॉर्टेंट। Value or amount are called significant figures. So this is our definition. So those digits which are who important. So significant mean important. And figures mean digits. तो यहाँ पे बेटा कहा जा रहा है कि वो डिजिट्स जो कि मोर रिलायबल हो या इम्पॉर्टेंट हो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वैल्यू, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। जैसे एक मिसाल दी गई थी आपको यहाँ पर कि एक हमारे पास एक कोई भी एक वुड है, हमें इसकी लेंथ को मेजर करना है। मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ को हमने मेजर किया, सबसे पहली रीडिंग आई ऑफ स्टूडेंट ए की, उसने बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ओके, इट्स अ गुड आंसर। एक और स्टूडेंट ने बताया कि इसकी लेंथ जो है वो 10 नहीं बल्कि कितनी है, 10.1 सेंटीमीटर। तो दिस आंसर इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि देखें ये जो स्केल है ये 10 के बाद या तो 11 काउंट करेगा या 12 काउंट करेगा, ये 10.1 या 10.11 काउंट नहीं कर सकता। तो ये वाला स्केल जो होगा वो लेस एक्यूरेट माना जाएगा, इसकी प्रिसिशन इसके लिए काउंट कम है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गया, कोई और स्केल आ गया जिसने इसकी लेंथ को मेजर करके बताया कि इसकी लेंथ 10.01 है, तो ये डेसिमल के बाद दो डिजिट तक काउंट कर रहा है, यानी कि ये इसका जो 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये इसके 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये मोर एक्यूरेट माना जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस रीडिंग इज मोर एक्यूरेट एंड मोर एफिशिएंट। ओके, सिमिलरली आपको जब कॉपी करना हो बेटा तो आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। मैं फिलहाल जल्दी जल्दी चलूंगा, टाइम थोड़ा कम है, लेक्चर को जल्दी मुझे ख़त्म करना है।
अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ और होती है यहाँ पे, ये भी आपने पढ़ा होगा कि बेटा जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए क्यू। सिमिलरली अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर आप कह रहे होंगे सर इसका नाम आंसर आएगा 1000। देखिए इसका एक आंसर ये भी तो आएगा 10^3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन 2 जीरोस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जिससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आया, पावर आ गई। तो इन डिजिट्स की कोई खास अहमियत यहाँ पर नहीं थी। ये भी अभी हम सीखेंगे कि कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, कौन से सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट डिजिट्स नहीं। तो बहरहाल ये जो कहलाती है पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये तो अभी मैंने आपको रफ क्राइटेरिया बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स हम पहचाने कैसे, वो कैसे होगा, उसके बारे में हमें कुछ रूल या टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टोटल 5 रूल्स हैं, जिससे आप हर डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग दी रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स को बेटा शॉर्ट फॉर्म में मैं SF लिख रहा हूँ, ताकि बार बार मुझे ये पूरा वर्ड ना लिखना पड़े। तो रूल नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास? रूल्स पे आने से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस कर लूँ, एक चीज कंफर्म कर दूँ आप कि बेटा इस पूरे टॉपिक में हम दो बातें करते रहेंगे। डिजिट्स, डिजिट्स दो होते हैं, 0 डिजिट और एक होता है नॉन जीरो। जीरो डिजिट मीन सिंपल 0, और नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं आपके पास वो क्या हैं? वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ये सारे डिजिट्स क्या हैं आपके पास? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसके बाद अगर आता है 11 या 10, 10 भी क्या है? 10 में एक जीरो है, एक नॉन जीरो है, 11 में दोनों नॉन जीरो हैं, 12 में दोनों नॉन जीरो हैं, एंड सो ऑन। तो 1 से लेकर 9 तक ये सारे डिजिट क्या कहलाते हैं? नॉन जीरो, और जीरो मीन सिंपल 0 डिजिट। तो यही दो लफ्ज बार बार चलते रहेंगे, जीरो डिजिट्स एंड नॉन जीरो डिजिट्स। ओके, तो रूल नंबर 1 बेटा हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसकी मिसाल देखते हैं, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1, 2, 43। तो यहाँ सबसे पहले इसका आंसर हम देंगे, कैसे देंगे? तरीके से, सीक्वेंस से। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर ये कहता है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स हैं। अब इन 4 में कितने जीरो हैं, कितने नॉन जीरो हैं? सारे के सारे क्या हैं बेटा? नॉन जीरो हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास? सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4। अब अगर मैं यहाँ दोबारा 3 लिख देता हूँ, तो अब कितने हो जाएंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर? 5। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, 2, 43, 1, कितने हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर? 4। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? नॉन जीरो हैं। इसके बाद अगर मैं एक और लगा दूँ 9, तो अब कितने हो गए? 5 हो गए। अब कितने हो गए? 3। थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं इसको, -1.823 एक्सपोनेंट -31। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता, नेगेटिव साइन से सिग्निफिकेंट फिगर का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज से है।
तो जी सारे क्या हैं, डेसिमल आ रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन सारे डिजिट्स क्या हैं, नॉन जीरोस हैं, तो यहाँ कितने एस एफ हो गए आपके पास, फोर, ठीक है, 6.67 एक्सपोनेंट -31, इसमें कितने एस एफ हो गए आपके पास, थ्री। तो रूल नंबर वन हमें बताता है कि जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ओके, अब वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए सुकून से, फिर मैं रूल नंबर टू पे आ रहा हूँ। नाउ रूल नंबर टू, जीरोस विच आर लाइंग और प्लेसिंग विच आर प्लेसिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। इसके बाद एक जुमला में और लिख रहा हूँ जिसको हम आगे यूज करेंगे, और सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब जरा इस बात को और समझिए, पहले इस रूल नंबर टू को जब आप रीड करेंगे तो आप इस ब्लू से जो मैंने वर्ड लिखा है सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको यूज नहीं करेंगे। तो रूल नंबर टू बेटा हमें क्या बताता है कि वो जीरोस जो नॉन जीरोस के बिटवीन आ रहे हैं उन्हें हमें मजबूरन क्या मानना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। जीरोस विच आर प्लेसिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, यानी मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ है 1 2 3 0 0 1, तो हमारे पास एक वैल्यू है, इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि इसमें तीन या चार नॉन जीरो हैं ये वाले, तो ये तो सिग्निफिकेंट हो गए रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग हो गए, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग, ये वन भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग। लेकिन रूल नंबर वन पे आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें दो जीरोस भी आ रहे हैं लेकिन वो दोनों जीरो नॉन जीरोस के बिटवीन आ रहे हैं। तो रूल नंबर टू क्या कहता है कि वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन आ रहे होंगे उन्हें हमें क्या मानना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मानना होगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर टू। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर टू। दोबारा सुन लीजिए कि वो जीरोस जो नॉन जीरोस के बिटवीन आ रहे होंगे उन्हें हमें क्या मानना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मानना होगा। एग्जाम्पल नंबर वन, 1 0 0 2 1, तो यहाँ कितने एस एफ हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल नंबर टू, 2020001, इसमें कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, और अब कितने हो जाएंगे अगर मैं 1 0 मिटा दूँ, तो अब हो जाएंगे ये 4। ठीक है, सिमिलरली 3 1 0 0 0 0 2, ये एक वैल्यू है, इसमें एक्सपोनेंट भी लगा दें चलें -13। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके पास, इसमें डिजिट्स आने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, जिसमें से तीन नॉन जीरो हैं, ये और ये, तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट।
अभी तीन या चार जीरोस जो हैं ये नॉन जीरोस के बिटवीन आ रहे हैं, तो हमें इसको भी क्या मानना पड़ेगा, एस एफ मानना होगा। तो यह कितने सेकेंड फिगर हो गए हमारे पास बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और। तो यह हमारे पास रूल नंबर टू यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इस जुमले को मैं रूल नंबर फाइव में जाने के बाद दोबारा यूज़ करूँगा कि वो जीरोस विच आर लाइंग बिटवीन नॉन ज़ीरो नहीं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, लाइंग बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उन्हें भी हमें क्या मानना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मानना होगा। तो ये रूल नंबर टू की जो बात आ रही है इसको मैं आगे जाकर दोबारा यूज़ करूँगा। नोट डाउन कर लीजिए आप उसे। अब बेटा इसके बाद रूल नंबर थ्री जो आता है और फोर फाइव, ये तीन रूल्स जो हैं ये आपके जो मैंने बनाए हैं तो ये बुक से मैच नहीं करते, तो मैं इनको टेक्निक्स के नाम से भी कह सकता हूँ, टेक नंबर थ्री फोर एंड फाइव, क्योंकि आपको एग्जाम में इनके आंसर देने होते हैं, आपको रूल्स की डेफिनेशन या रूल्स नहीं लिखे दिखाने होते हैं, आपने सिर्फ डिजिट्स के आंसर देने होते हैं एग्जाम में, आपको ये रूल लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में। हाँ, वो आपको आने चाहिए, अब भले आपको किसी भी तरीके से आते हों वो आपके ऊपर है, क्योंकि बुक के रूल्स थोड़े से मुझे भी अजीब से लग सकते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, जिसमें कई कुछ सवालों में आके आप फंस भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ टेक्निक्स बनाई हैं जिससे आप किसी भी कोई भी दुनिया का आपको नंबर अगर दे दिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये आपको पूरा सीखने के बाद ही अंदाज़ा होगा बहरहाल इस बात का। तो मैं फ़िलहाल रूल नंबर थ्री की तरफ आ रहा हूँ। तो रूल नंबर थ्री को बेटा मैं टेक्निक नंबर थ्री कहूँ। क्योंकि बुक से मैच नहीं करेगा इसलिए। इसकी लैंग्वेज क्या है, जीरोस विच आर लाइंग और प्लेसिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल या पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करेंगे कि वो जीरोस जो डेसिमल के लेफ्ट पर आ रहे होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसे मैं रब कर रहा हूं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए एक रफ वर्क करने के लिए। तो अब हमारे पास तीन कंडीशंस आएंगी बेटा, डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कहेंगे रूल नंबर थ्री, और डेसिमल के राइट हैंड साइड पर दो रूल बनते हैं, एक बनेगा रूल नंबर फोर और एक बनेगा रूल नंबर फाइव, एक शर्त में सिग्निफिकेंट होगा और एक में नहीं होगा बहरहाल। तो हमें फिलहाल इसको देखना है, पहले रूल नंबर थ्री की बात कर लेते हैं कि रूल नंबर थ्री में क्या है कि वो जीरो जो डेसिमल के लेफ्ट पर आ रहे होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कुछ रफ वर्क है एग्जाम्पल्स के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जीरो पॉइंट टू वन नाइन, ये मान लीजिए बेटा कहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें कितने डेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे चार डेट्स आ रहे हैं, तीन नॉन जीरो हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। किस रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर वन पे बात खत्म नहीं है और रूल नंबर टू अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी जीरो नॉन जीरो के बिटवीन नहीं आ रहा। हाँ, एक और जीरो आ रहा है लेकिन वो डेसिमल के कहाँ पर है, लेफ्ट पर है, डेसिमल के लेफ्ट की बात कौन करता है बेटा, रूल नंबर थ्री करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको रूल नंबर थ्री तक जाना पड़ेगा, रूल नंबर वन या टू पर आंसर नहीं मिलेगा। अब रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट,
तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 2 के तहत। तो यहाँ पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 3। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं इसको, 0.219। इसमें कितना एस एफ हो गया बेटा हमारे पास, 3। अब इसी सवाल को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि इसमें रूल नंबर 2 भी शामिल हो जाए। दोबारा देखिए इसी सवाल को, वैल्यूज चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ी सी। मैंने अब यहाँ पर वैल्यू को दी 0.83001। अब क्या है भाई सवाल में, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ ताकि आपको रूल भी सारे नजर आ जाए। 83001। तो बेटा अगेन हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको। तो इस वैल्यू में बेटा हमारे पास कितने रेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेट्स हैं, जिसमें से 8, 3 और 1 ये तो नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे बिल्कुल। इस रूल के अकॉर्डिंग है ये, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। फिर ये दोनों जीरो जो हैं वो नॉन जीरोस के बिटवीन आ रहे हैं, तो इन्हें भी आपको सिग्निफिकेंट मानना होगा अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 का आंसर खत्म नहीं हुआ, एक और डिजिट आ रहा है जो कि डेसिमल के लेफ्ट पर है, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 3। ओके, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस एफ आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटा, 5, सॉरी। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, 0, 4। सबसे पहले यहाँ डेसिमल कहां पर है, अगर किसी वैल्यू में डेसिमल नहीं लिखा हुआ तो यकीनन डेसिमल उसके एंड में होता है, आपको पता है बात। तो 4 तो सिग्निफिकेंट हो गया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 0 डेसिमल के लेफ्ट पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट पर, तो डेसिमल के लेफ्ट का 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता रूल नंबर 2। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा हमारे पास, ओनली 1। अगर मैं 4 को चेंज करके 5 कर दूं, अभी भी कितने होंगे, 1 ही रहेंगे। क्लियर है। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2000 या 20000। सो इन दिस वैल्यू यू नो दैट वेयर इज अ डेसिमल, डेसिमल इज एट द एंड, डेसिमल यहाँ पर होगा। ठीक है जी, रूल्स अप्लाई करते हैं। तो 2 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया, लेकिन डिजिट खत्म नहीं हुए, अभी 3-4 डिजिट बाकी हैं रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये जीरो पैक नहीं हुए नॉन जीरो के दरमियान, तो रूल नंबर 2 पे आंसर नहीं मिलेगा हमें, फिर आगे जाना पड़ेगा। रूल नंबर 3 इस पे अप्लाई होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड के जीरो, तो डेसिमल के लेफ्ट पर यहाँ जीरो आ रहे हैं। सो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के जीरो रूल नंबर 3 क्या कहता है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 3। सिमिलरली अगर हम लिखें 16000, तो भी यहाँ पर कितने एस एफ हो जाएंगे, डेसिमल नहीं लगा हुआ यानी कि एंड में होगा, यहाँ पे हो जाएंगे 2। तो ये हमारे पास पूरा रूल नंबर 3 की एक कंप्लीट बात की है। अच्छा, किसी में अगर मैं एक्सपोनेंट लगा दूँ तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता, नेगेटिव साइन लगा दूँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1। अगर मैं 200 कर दूं तो भी कितने हैं, 1। अगर मैं 2000 कर दूं तो भी कितने हैं, 1। ओके, सिमिलरली 1 लाख, इसमें कितने एस एफ हैं, ओनली 1। अगर 2 कर दें लाख तो भी कितने रहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, 1 ही रहेंगे। सो दिस इज अवर रूल नंबर 3 कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके,
now I'm coming towards the decimal right hand side. Okay. आई रिपीट, वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, जिन बच्चों का फाउंडेशन कोर्स में से हुआ है उन सबके यहाँ से काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। तो बेटा नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स टेक्निक नंबर 4। ये रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रूल नंबर 5 समझ में आ गया तो 4 समझ में आ गया तो 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जीरोस विच आर लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड, अब बात होगी राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल और पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि कब, इफ नो नॉन जीरो डिजिट, नो को मैं कैपिटल कर देता हूँ, नॉन जीरो डिजिट is existed before then from the left side। तो इसी लैंग्वेज ज़्यादा है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो यकीन आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, रूल नंबर 1 क्या था कि वो नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 2 क्या था हमारे पास, वो जीरो जो नॉन जीरोज के बिटवीन आ रहे हैं उनको नहीं भी सिग्निफिकेंट मानना होगा। रूल नंबर 3 क्या था, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं। अब हम आते हैं ऐसे सवाल पे जिसमें रूल नंबर 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो सवाल की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, 0.00021 या चलें 2 0 1। तो बेटा ये एक वैल्यू है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं, ठीक है जी। तो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको फ्रॉम द फर्स्ट रूल। तो यहाँ पर 2 और 1 सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 1। ये वाला 0 इन दो नॉन जीरो के बिटवीन आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा रूल नंबर 2 के तहत, यानी दो रूल अप्लाई हो गए लेकिन सारे डिजिट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो अभी आगे जाना पड़ेगा। फिर हमने देखा है डेसिमल भी आया, डेसिमल के लेफ्ट साइड का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये बात किसने बताई हमें, रूल नंबर 3 ने बताई। ओके, सिमिलरली अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के रूल नंबर 3 पर भी जवाब एंड नहीं हुआ, अब डेसिमल के राइट पर भी जीरोज आ रहे हैं। तो रूल नंबर 4 या टेक्निक नंबर 4 क्या कहती है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, अगर इफ नो नॉन जीरो डिजिट इज एग्जिस्टेड बिफोर देम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्या इस जीरो से पहले या इस जीरो से पहले, पहले का मतलब आपने देखना होगा लेफ्ट साइड से, कहाँ से देखना होगा, ये लेफ्ट साइड है। क्या इस जीरो से पहले कोई आपको नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या इस जीरो से पहले, पहले का मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, इफ नो नॉन जीरो डिजिट इज एग्जिस्टेड बिफोर देम फ्रॉम द लेफ्ट, इस पूरे जुमले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या इस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं। तो ये डेसिमल की ये भी राइट पर था, ये भी राइट पर था, ये भी राइट पर है। क्या इस वाले जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन किसने दी, रूल नंबर 4 ने दी। और अगर इन सब जीरो से पहले यानी कि लेफ्ट साइड से देखते हुए कोई नॉन जीरो नंबर नज़र आ जाता, कम से कम एक या एक से ज़्यादा, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाती, वो बनेगा रूल नंबर 5। तो फिलहाल अभी हम रूल नंबर 4 पे ही रहते हैं, 5 की बात आगे करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 0.00072, ठीक। तो इस सवाल में बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, 2 नॉन जीरो हैं, बाकी 4 जीरो हैं। तो ये 7 और 2 तो सिग्निफिकेंट हो गए रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, के नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर रूल नंबर 2 देखा, तो रूल नंबर 2 यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी जीरो नॉन जीरो के दरमियान पैक नहीं हो रहा, ये जीरो भी ओपन है, ये भी ओपन है। हाँ, अगर यूँ होता तो ये जीरो पैक हो जाता है इनके दरमियान, तो रूल नंबर 2 फिलहाल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा था।
रूल नंबर टू नहीं हो रहा लेकिन डेसिमल बच गए, तो रूल नंबर थ्री पे जाते हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता रूल नंबर थ्री। यहाँ पे फिर तीन डिजिट्स बच चुके हैं, तो रूल नंबर थ्री पे भी आंसर कंप्लीट नहीं मिला। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड जी रूल नंबर फोर। तो रूल नंबर फोर क्या कहता है कि डेसिमल के राइट साइड के जीरो ये भी राइट पर है, ये भी राइट पर है, ये भी राइट पर है, इन सारे जीरो से पहले, पहले का मतलब लेफ्ट से देखना होगा, इन जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नज़र आ रहा है? जीरो नज़र आ रहा है, नॉन जीरो नहीं है, वन से नाइन तक नहीं है कोई, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर आ गया इसका? सिग्निफिकेंट कितने हो गए इसमें? टू। और यहाँ कितने हो गए? थ्री। तो ये हमारे पास रूल नंबर फोर है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, फिर हम रूल नंबर फाइव पर आते हैं। 0.00001 एक्सपोनेंट माइनस 31, तो इसमें कितने एस एफ हो जाएंगे? एक्सपोनेंट नहीं होता एस एफ, आपको पहले बता चुके हैं, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, इसको चले कुछ और कर लेते हैं, थ्री कर लेते हैं, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हो गए? ओनली वन। क्वेश्चन टू क्या था? 0.00072, इसमें कितने एस एफ हैं? टू। 0.00027, 01, इसमें कितने एस एफ हो जाएंगे? फोर। ये सब डिजिट्स हो जाएंगे एस एफ, और ये सब नहीं। क्लियर है? इसमें क्लियरिटी में कुछ कमी है तो फिर आप इसको ऑडियो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि डेसिमल के लेफ्ट साइड के जीरो, यानी कि हम रूल नंबर फोर पे कब जाते हैं? जब डेसिमल के राइट साइड पर जीरो आ रहे हों, और उन जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर अगर नज़र नहीं आ रहा तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये नहीं वाली कंडीशन तो हमें पता चल गई, और अगर नज़र आ जाता तो वो होते जीरो, और वो कैसे होंगे वो हम नेक्स्ट स्टूडियो में बात करते हैं उसके बारे में। ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी आवर लास्ट रूल, रूल नंबर फाइव। इस रूल के बाद आपको सारे रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो रूल नंबर फाइव, सो रूल और टेक्निक नंबर फाइव इज जीरोज विच आर लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, अब सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये सब मैं रख कर देता हूँ। इफ ए नॉन जीरो डिजिट, कम से कम एक एक से ज्यादा, If a non-zero digit is existed before them from the left side, चलें इसको समझते हैं। तो दोबारा से हम उसी एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं जिससे हमने पहले बात की थी। 0.00081 इस जीरो को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो हमें रूल के अकॉर्डिंग सारी बात करनी होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर 8 और 1 सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 1। अब बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोज और आ रहे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा ये वाले जीरो ओपन है, ब्लॉक नहीं हो रहे, तो रूल नंबर टू में अप्लाई नहीं हो रहा, तो रूल नंबर थ्री पे जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देता है डेसिमल के लेफ्ट साइड के जीरो की, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर थ्री। अभी फिर जीरो बच चुके, यानी कि रूल नंबर फोर भी अप्लाई होगा। अब ये तीन जीरो डेसिमल के राइट पर आ रहे हैं, और ये भी राइट पर ही है, ये दोनों जीरो भी डेसिमल के राइट पर हैं, और ये तीनों भी कहाँ पर? डेसिमल के राइट पर है। ये रहा डेसिमल, ये रही राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो डेसिमल के
राइट के इन जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर नहीं आ रहा। क्या इस वाले जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है आपको? नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं। इस वाले जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं। सिमिलरली इस वाले जीरो से पहले कोई नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नजर आ रहा है आपको? तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं। तो इन तीन जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर हमें नहीं आ रहा, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 4। लेकिन आगे अगर हम देखें तो हमें दो जीरो और नजर आ रहे हैं। अब वही बात हम इसे दोबारा रिपीट करेंगे, ये जीरो कहाँ पर है? डेसिमल के राइट साइड पर। तो क्या इस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है? दो दो नजर आ रहा है, 8 भी है 1 भी है। अब वो बिल्कुल पहले हो या बिल्कुल शुरू में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल के राइट से जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर अगर आ रहा है आपको, तो आपको उसे सिग्निफिकेंट मानना। सिमिलरली इस जीरो पर आते हैं, तो इस जीरो से पहले आपको कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है, डेसिमल के राइट हैंड साइड का जीरो है, इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है तो रूल नंबर 5 अप्लाई हो गया और ये सिग्निफिकेंट हो गए अकॉर्डिंग टू विच रूल, रूल नंबर 5। तो ये यहाँ पर आपके सारे रूल एंड हो जाते हैं। तो इस सवाल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 8100 यानी कि 4 हो गए, 4 ऐसे। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस पे जाऊंगा जो डिफिकल्ट हैं। 0.005010000 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। 5 और 1 SF हैं अकॉर्डिंग टू विच रूल नंबर 1। फिर ये जीरो इनके बिटवीन आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा रूल नंबर 2 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जीरो ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे ये दो जीरो भी आ रहे हैं और ये तीन भी आ रहे हैं। पहले इन दो की बात करते हैं, क्या इन दो जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर यानी 1 से 9 तक नंबर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है रूल नंबर 4 के तहत। अब इस जीरो पे आए, इस जीरो से पहले एक 1 भी नजर आ रहा है नॉन जीरो नंबर और 5 भी नजर आ रहा है, तो इसको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। इससे पहले भी 1 नजर आ रहा है, नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है, तो इसे भी सिग्निफिकेंट मानना होगा, इसे भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हो गए रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने SF आ गए हमारे पास? 6 SF आ गए। अब इसके बेटा हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा सवाल आगे बढ़ जाए, फिर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पर आऊँगा जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कितने SF आए थे हमारे पास? 1 2 3 4 4। आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन अभी मैं कुछ जब और 2-3 सवाल कराऊंगा तो फिर सब क्लियरिटी हो जाएगी। 0.005010000 इसमें कितने SF हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। इस तरह से अगर आप समझ के करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा रूल के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज़ क्यों हुई रूल के अकॉर्डिंग, कौन सा डिजिट क्यों कैंसिल हुआ रूल्स के अकॉर्डिंग। और एक बात और, तो रूल नंबर 2 में मैंने अभी एक जुमला छोड़ा हुआ है, जीरोस विच आर लाइंग बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मैं उसकी तरफ आऊँगा, वो रूल नंबर 2 की समझ लें मॉडिफाइड फॉर्म होती है। ठीक है, तो मैं अभी नरब कर रहा हूँ, अब मैं इसके और एग्जाम्पल डिस्कस को करने वाला हूँ। अच्छा जी, तो बेटा अभी हमने पढ़ा था ये वाली एग्जाम्पल के, लिखा हुआ है 2000। तो इसमें अगर हम SF चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल यहाँ पर है, तो ये 3 डेसिमल के लेफ्ट पर हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें डेसिमल को कहीं और लगा दूँ, जैसे यहाँ लगा दूँ,
अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, ये बहुत मशहूर एग्जाम्पल हो जाती है। 20,000 और 2.000, इसमें आपके पास डेसिमल एंड में है तो सिर्फ ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो SF कितने आ गए, 1। अब बात करते हैं इसकी, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे 2 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, उसके बाद ना रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है क्योंकि 0 पैक नहीं हुए हैं किसी नॉन जीरो के दरमियान, ना डेसिमल के लेफ्ट पे कोई 0 आ रहा है तो रूल नंबर 3 भी अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, डेसिमल के राइट पर 0 आ रहा है तो रूल नंबर 4 या 5 अप्लाई होगा। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड के 0 सिग्निफिकेंट होते हैं और एक शर्त में नहीं होते हैं, तो देखते हैं कौन सी शर्त पूरी हो रही है। तो बेटा डेसिमल के राइट हैंड साइड पे सब 0 आ रहे हैं, क्या इस 0 से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये रहा 2, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। इस 0 की बात करते हैं, क्या इस 0 से डेसिमल के राइट साइड पर ये 0 आ रहा है? इस 0 से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नज़र आ रहा है? अगर नहीं आता तो हम नहीं मानते, लेकिन नज़र आ रहा है 2, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। इस 0 से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पर कितने SF आ गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, रूल नंबर 4 के तहत, सॉरी रूल नंबर 5 के तहत। ठीक है, तो ये बहुत मशहूर एग्जाम्पल है। अब इसी सवाल को मैं और डिफिकल्ट कर रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कहलाता है। बाहर देखने में सब सेम है लेकिन बहुत इनके आंसर डिफिकल्ट हो जाते हैं। इस वाले सवाल ये सवाल सबसे मुश्किल सवाल होता है, मोस्ट डिफिकल्ट, इसको जब एक्सप्लेन करने बैठे तो फिर स्टूडेंट काफ़ी घबरा जाते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 200.0 लिखा हुआ है। हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं, तो बेटा ये वाला सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल नंबर 2 यहाँ डायरेक्ट, रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर 0 आ रहे हैं, हमने कह दिया ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 के तहत कहा था। अब डेसिमल के राइट साइड पर भी एक 0 आ रहा है, और डेसिमल के राइट पर जब 0 आता है तो 2 रूल अप्लाई होते हैं, तो रूल नंबर 4 या 5, तो देखते हैं कौन सा अप्लाई हो रहा है। ये डेसिमल के राइट हैंड साइड पर 0 आ रहा है, इस 0 से पहले, पहले देखा आपने लेफ्ट पर, हाँ एक नॉन जीरो नंबर नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इस 0 को हमें क्या मानना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। किस रूल के अकॉर्डिंग? रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो अब हुआ क्या कि ये हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट, ये है तो 0 लेकिन हो चुका क्या है? सिग्निफिकेंट हो चुका है, इंपॉर्टेंट डिजिट बन चुका है। अब रूल नंबर 2 की लैंग्वेज को अगर आप दोबारा पढ़ें तो वहां पे मैंने ब्लू से वर्ड लिखा था कि जीरोस विच आर लाइंग बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो बेटा ये 0 क्या हो चुका है? सिग्निफिकेंट हो चुका है, और ये 2 तो है ही सिग्निफिकेंट। तो अब ये जो इसके दरमियान में 0 आ रहे हैं, मजबूरन मजबूरन हमें इन्हें क्या मानना पड़ेगा? इन्हें भी सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। ये है रूल नंबर 2 की मॉडिफाइड फॉर्म, जो वहाँ सेकेंड जुमला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितने SF हो जाएंगे आपके पास? 4। तो ये वाला सवाल सबसे मोस्ट डिफिकल्ट होता है, जिसमें रूल नंबर 2 की मॉडिफाइड फॉर्म लगती है। ठीक है, रूल नंबर 2 पहले लगाया तो हमने कह दिया सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये पैक्ड हो गए ना बेटा, तो नॉन जीरोस के दरमियान, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान अगर ये पैक हो गए तो अब आपको इन 0 को सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। आपके पास कुछ आ रही है उसमें? तो ये वाला सवाल सबसे मोस्ट डिफिकल्ट होता है, इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे कितने SF हो जाते हैं आपके पास? 4।
अब कितने हो जाएंगे अगर मैं एक चीज और बढ़ा दूं, अब हो जाएंगे 5। ओके सो बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक हमारा जो है वाइंड अप हो जाता है। रोल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 1600.0 लिख दूँ मैं तो इसमें कितने एस एफ हो जाएंगे, सारे के सारे, और ये 0 हटा दूँ तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पर, सिर्फ ये 2, और यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तो कितने एस एफ हो जाएंगे, सारे 1 2 3 4 5। सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 4, 100, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, 1। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ 1.000 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें, और ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के हमारे पास सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर हम किसी क्वेश्चन को चेक करना चाहें, मोस्ट से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम चेक करना चाहें, तो हम इसके अकॉर्डिंग से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, कि एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ऐड होंगे और उसमें सब्ट्रैक्शन में कैसे होंगे, तो उनकी मैं आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि वो भी आप कवर अप कर लें। लेकिन उससे पहले आपको जो है वो राउंड ऑफ के रूल पता होने चाहिए कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है किसी भी वैल्यू को। ओके किसी का कोई अगर सवाल हो तो फिर मुझे आप लोग जो लिंक में मैसेज कर देगा या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देगा या ईमेल कर देगा, आपकी क्वेरी बता दीजिए। आपके राउंड ऑफ वैल्यूज के कुछ रूल्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। बेटा रूल नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, इफ लास्ट डिजिट इज स्मॉलर देन 5 देन वी निगलेक्ट दैट 5 डिजिट। रूल नंबर 2 क्या है, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन पाई देन वी ऐड 1 इन प्रीवियस डिजिट, ठीक है। दो रूल बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं इसकी एक एग्जांपल देके आगे बढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू है उसे राउंड ऑफ करना है, मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ है 1.23, तो लास्ट डिजिट हमारे पास 3 है, ये 3 जो है किससे है, 5 से लेस है। तो जब लास्ट डिजिट 5 से लेस होता है और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स के अंदर, 2 वैल्यूज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे और इसमें किसका आंसर आ जाएगा, 1.2 इसका आंसर आ जाएगा, ये राउंड ऑफ कर दिया, सही। तो ये क्या कर दिया ना, इसको राउंड ऑफ कर दिया। सिमिलरली एक और मिसाल देख लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है 1.41, तो लास्ट वैल्यू जो है वो 1 है यानी कि 5 से लेस है, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे फर्स्ट राउंड ऑफ में, तो ये 1.4 बन जाएगा और 1 निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लास्ट वैल्यू जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो, तो क्या होता है हमारे पास, अगर लास्ट वैल्यू ग्रेटर हो 5 से, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं। एग्जांपल जैसे 1.27 लिखा हुआ है, तो लास्ट वैल्यू 7 है, 7 से क्या है,
5 से ग्रेटर है, तो हम इसको जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, इससे प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगी 1.3। ये सब रूल आप पढ़ चुके हैं, आपको आते हैं, लेकिन ये शायद जो तीसरा रूल मैं आपको बताऊंगा ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि अगर लास्ट डिजिट आपके पास 5 आ जाए, इफ रूल नंबर 3, इफ लास्ट डिजिट इज 5, अगर लास्ट डिजिट आपके 5 हो देन व्हाट, तो हमारे पास दो रूल हैं, एक रूल नंबर ए और एक रूल नंबर बी। एक को हम कहते हैं इवन डिजिट रूल, और एक कहलाता है ऑड डिजिट रूल। तो अगर लास्ट डिजिट आपके पास जो है वो क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो उसमें हम जो इवन डिजिट रूल में क्या करते हैं, क्या चीज चेक करते हैं, इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन प्रीवियस डिजिट जो है वो इवन है, देन वी ऐड 1, हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं और 5 को निगलेक्ट कर देंगे मिसाल के तौर पर। और अगर इस तरह से ना हो, इफ प्रीवियस डिजिट इज नॉन, सो वी निगलेक्ट दैट 5 डिजिट। अच्छा जी, उसकी मिसाल लिखी जल्दी से कि प्रीवियस डिजिट अगर इवन हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है, इसी वैल्यू से बात कर लेते हैं, यानी कि 1.25, तो बेटा लास्ट डिजिट क्या आ चुका है, 5। तो रूल क्या कहता है कि 5 से पहले वाले डेट को देखें, 5 से पहले 2 आ रहा है, तो 2 इवन है या ऑड है, 2 हमारे पास क्या है, इवन है, तो इवन में क्या होता है, हम 5 को निगलेक्ट कर कर एक क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये 1.3 हो जाएगा। इवन में ऐड करते हैं और ऑड होता तो ऑड में क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 पॉइंट अगर मैं लिख दूं इसको 5 5, ठीक है भाई, तो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, 5 से पहले कौन आ रहा है, 5 ही है, तो 5 एक इवन भी नंबर है ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो आप इस 5 को रिमूव कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1.5। एक और एग्जांपल लिख कर देखते हैं, कहीं लिखा हुआ है 2. अच्छा 0 भी इवन काउंट होगा, 2.05, अब लास्ट 5 है, 5 से पहले 0 है, 0 इवन काउंट होगा, 0 भी इवन नंबर है, तो ये 2.1 हो जाएगा, राउंड ऑफ। और यहाँ पे अगर बात करें कि 1.75 लिखा हुआ है, तो 1.7 एक ऑड नंबर है, ऑड से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, 1.7 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने एक मिसाल देके, एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर दी है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि मैं फिर आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एक सवाल करा दूँ, तो आपको वहाँ पर क्लियरिटी हो जाएगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनसिग्निफिकेंट फिगर,
एंड सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें जो आंसर लिखना होता है, राइट योर आंसर इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। हमें यहाँ पे आंसर एल डी पी में लिखना होता है, यानी कि एल डी पी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में लिखना होता है। और मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लिखना होता है राइट योर आंसर इन लीस्ट या लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ एल एस एफ में लिखना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होनी है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको मल्टीप्लीकेशन बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है जी। तो बेटा यहाँ पे सवाल में ऐसे है कि 0.1.23 मल्टीप्लाई बाय 2.456 एंड डिवाइड बाय 1.2 1.314। ये हमारे पास एक बेटा वैल्यू है, इसमें कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है, कुछ डिवाइड होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तीन वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3। तो थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं सवाल को, इतना करने चाहिए। ये दो वैल्यू आपस में क्या होनी, मल्टीप्लाई होनी। तो एक वैल्यू बेटा ये है और एक वैल्यू ये है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। इसमें कितने एसएफ हैं, इसमें एसएफ हैं 4। तो मल्टीप्लीकेशन में कहने का अपना आंसर आपने किस में लिखा, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लोएस्ट 3 कहलाएंगे, 4 कहलाएंगे, तो लोएस्ट कहलाएंगे 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे इनका आंसर क्या आता है देखते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होगा, सो मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब आंसर जो लिखे तो मैक्सिमम इतने डेट्स में लिखे, इतने यहाँ पर आ रहे हैं। सही, तो आंसर आप लोग इतने ही डेट्स में लिखे जितने डेट्स यहाँ आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1.23, यानी डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस आ रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया 1.23 मल्टीप्लाई बाय 2.456। आंसर आ गया 3.02 08। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि हमें अपना आंसर किस में लिखना है कि हमारा आंसर जो आया वो किस में आना चाहिए, फाइनल आंसर। ये आंसर नहीं है, हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हमारा आंसर किस में आए, लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि एल एस एफ में आना चाहिए। तो बेटा इसको जब मैंने राउंड ऑफ किया, फर्स्ट राउंड ऑफ, तो ये 3.85 से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर ऐड आएगा 0.21 हो गया। लेकिन यहाँ कितने डेट्स आए चाहिए, 3, तो यहाँ 3 तो नहीं आ रहे। तो हमने फर्स्ट राउंड ऑफ किया था,
अब हम एक और राउंड ऑफ करेंगे, सेकंड राउंड ऑफ करेंगे ताकि हमारा आंसर एल एस एफ में आ जाए। तो जब हमने सेकंड राउंड ऑफ किया तो वन क्योंकि फाइव से छोटा है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, वन फाइव से छोटा है तो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3.02। ये आपका आंसर क्लियर है। सिमिलरली इसी पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके। तो बात सुन लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन में आपको जो आंसर लिखना होता है उसको जब तक राउंड ऑफ करते रहना जब तक आंसर लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ना आ जाए। यहाँ कितने ऐसे फार हैं, 3, और जो सवाल था उसमें भी एक में 3 थे और एक में 4 थे, तो 3 वाला लोएस्ट माना जाएगा। तो 3 में आपने आंसर दे दिया, ये आपका फाइनल आंसर है। आंसर ओके। इसी तरीके से अगर इसको मैं किसी वजह से डिवाइड कर देता जैसे मैंने पहले किया था कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं इसी सवाल को, हमने डिवाइड कर दिया 1.332 से, तो डिवाइड कर दें 1.332 से तो आपका जो आंसर आ रहा है अब इसमें कितने SF हैं, इसमें भी 4 SF हैं, तो अगेन लोएस्ट यहाँ 3 ही कहलाएंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.2679। इसे अब राउंड ऑफ करें, कब तक राउंड ऑफ करते रहेंगे, जब तक कि कितने डिजिट्स में आंसर ना आ जाए 3 में। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, अब ये 7 है, 7 5 से बड़ा है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ करने के बाद 2.268 हो जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ। फिर ये 3 डिजिट्स में अभी 3 से सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, हमें 3 में आंसर देना है। तो फिर हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये 6 है, 8 है, 8 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.27। ये आपका आंसर क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली अब हम आते हैं एडिशन सबट्रैक्शन पर। एडिशन सबट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं 1.42 में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी है 2.362, तो ये दो वैल्यूज को बेटा हम क्या कर रहे हैं आपस में ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इसमें कितने हमें यहाँ पे जो चेक करना है वो क्या करना है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को देखना है, सिग्निफिकेंट को नहीं देखना, डेसिमल प्लेसेस यानी कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस आ रहे हैं। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 2, इसमें कितने आ रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं डेसिमल के बाद 1, 2, 3, इसमें आ रहे हैं 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास ये बन गया लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपका जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स नज़र आने चाहिए। यहाँ देखें सिग्निफिकेंट नहीं पूछ रही है, यहाँ ऐड कर रहे हैं हम, लेकिन आंसर आपने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में देना है, यहाँ पे आंसर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना था। है दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के सवाल आते, वैल्यूज ऐड हो सेपरेट हो या मल्टीप्लाई डिवाइड हो, लेकिन एडिशन में आपने आंसर लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस में देना। अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए तो कैलकुलेटर से आपको अंदाजा हो जाएगा क्या डेट आंसर आ रहे हैं। सोल्यूशन 1.42 प्लस 2.362, तो बेटा आंसर आ गया है 3.782। अब यहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेस आ रहे हैं, 1, 2, 3, इसमें कितने, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको हमें कितने में लाना होगा, 2 में लाना होगा, क्योंकि 2 हमारे पास लोएस्ट डेसिमल प्लेस सवाल की वैल्यूज के हिसाब से। तो राउंड ऑफ कर, लास्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 5 से स्मॉल है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 3.78 फर्स्ट राउंड ऑफ में, और ये हमारा आंसर आ गया लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का। तो एडिशन सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल सा है, बस आपने ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने आंसर
LSF लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में देना होता है, और एडिशन सबट्रैक्शन में आपने आंसर लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस पे देना होता है। ओके क्लास, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर वन। अब मैं सिग्नल फिगर की आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को एंड कर देते हैं। यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट्स हमारे पास जीरो डेट होता है और नॉन जीरो डेट्स होते हैं 1 से 9 तक। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डेट्स आर सिग्निफिकेंट। जिनकी एग्जाम्पल्स आ गई 5 to 4 में कितने एस एफ आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इस वैल्यू में कितने एस एफ आ रहे हैं, सारे नॉन जीरो हैं, 6 आ रहे हैं। एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता, यू नो डैट एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये यहाँ पे 2 SF आ रहे हैं आपके पास। इसमें भी आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। ओके, नाउ रूल नंबर 2, जीरोस व्हिच आर प्लेसिंग ऑन द नॉन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो नॉन जीरो के बिटवीन आ रहे हैं उन्हें सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। क्या देख सकते हैं यहाँ सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि नॉन जीरो से बिटवीन आ रहे हैं। इस वैल्यू में 107 यहाँ भी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा और एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिमिलरली टेक्निक नंबर 3, जीरो डेसिमल के लेफ्ट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 0.14 में आंसर होगा सिर्फ 2। इसमें से आंसर होगा 1, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, बाकी तीनों जीरो डेसिमल से लेफ्ट पर आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने, 3 हैं, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसमें ये तीनों, ये चारों जीरो डेसिमल के लेफ्ट पर हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसमें सिर्फ 1 1 सिग्निफिकेंट है। नाउ रूल और टेक्निक नंबर 4, जीरोस विच आर प्लेसिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ नो नॉन जीरो डिजिट इज एग्जिस्टेड बिफोर देम फ्रॉम द लेफ्ट। मैं इसको डिटेल में वाइट बोर्ड पर बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कितने एस एफ होंगे हमारे, 1, यहाँ पे 4 5 और 2 यानी कि 3, यहाँ पे भी सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें ये सॉरी रूल नंबर, अब यहाँ पे ये वाले दो जो जीरो हैं इनको हमें सिग्निफिकेंट किस वजह से मानना पड़ा, रूल नंबर 2 की वजह से। नाउ आवर फाइनल रूल, जीरोस व्हिच आर प्लेसिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट अगर इफ ए नॉन जीरो डिजिट इज एग्जिस्टेड बिफोर देम फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन ये सिग्निफिकेंट है कि इससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट 2 नजर आ रहा है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे जो ब्लू सेल में। तो यहाँ SF हो गए 3 और यहाँ पे SF कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 और 9। अगर ये सवाल यूं होता तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने फिगर्स हैं, 1, सिर्फ 2, लेकिन इस सवाल को अगर मैं यूं कर दूं तो अब यहाँ सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये सारी तफसील मैं आपको वाइट बोर्ड पर बता चुका हूँ। टे क्लास यहाँ तक ये ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इनको ट्राई करिएगा प्रैक्टिस के लिए, इनके आंसर्स भी दे दिए मैंने, इनको कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करें। और आपके जहन में भी कोई अगर डिजिट आ रहा हो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो तो सेंड करेगा, ताकि हम भी देखें कौन सा डिजिट रूल से हट के नहीं हो पा रहा। और क्लास थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।